Pokemon, it's a battle, win or lose. It's the friends you make, it's the road you choose. बहुत बुरे लग रहे हो, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। So hey there boys and girls, तो कैसे हैं आप लोग? So guys, आज हम जाने प्रोग्राम में अगले like always. So guys, आज हम जाने वाले सरली जिम के अंदर और देखते हैं ना कि क्या सीन होता है और क्या सीन नहीं होता. So I hope आप एक्साइटेड हो आज के इस अमेजिंग वाले वीडियो के लिए. अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि आज का वीडियो काफी भयानक होने वाला है. हम सीधा सबको क्यों मारने वाले हैं, मतलब यह है गाइस कि सब लोग जो भी ग्राउंड में अभी खड़े हो सब होने वाले हैं, सिवाय सरीना के. मुझे लगा नहीं कि सरीना एक्चुअली ले पाएगा गाइस एक मूव, जो काफी अच्छी बात है. मैं वाटर शुरिकेन मारता हूँ और ये मारेगा आइस बीम. चलो गाइस, ये लगभग खत्म होने हो ही चुका है गाइस, बस एक और आइस बीम की जरूरत है गाइस. नाइस गेम बड़ी बॉय. ओके, सो हमारे पोकेडेक्स में गाइस काफी अच्छे अच्छे पोकेमोन आ चुके हैं, जो भी बोलो. अब मैं गाइस सीधा रूक को आगे रखने वाला हूँ, क्योंकि यार रूक काफी ये कर सकता है. और गाइस यार, मैंने रॉकी को काफी दिनों से इस्तेमाल भी नहीं किया है, जो रॉकी को मुझे पता गाइस बुरा लग रहा होगा. कोई ना गाइस, एक और जिम के लिए बुरा लगने दो, फिर हम दिखाते हैं कि क्या सीन होता है. अगर आप असली जिम लीडर बनना चाहते हैं तो भेज दो इस वीडियो को एक लाइक करो, ठीक है. ओके गाइस, मैं सबको हरा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई काम धंधा तो है नहीं. आई मीन गाइस, इन काम धंधा की बात नहीं है गाइस, ये बेसिकली मुझे इन सबको हराना पड़ेगा. और कैसे मुझे आपको नहीं लगता मैं कुछ ज्यादा ही ओवर लेवल्ड हूँ? आपके क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. लेकिन मुझे लगता है कि मैं ओवर लेवल्ड हूँ, ठीक है. सो इस जो है ये मेरा जो मन कह रहा है, मैं ओवर लेवल्ड हूँ. आपके क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है. अब गए देखते हैं कि इसका सेकंड प्रोग्राम कौन सा. भाई सिंड्रेस का स्प्राइट थोड़ा अजीब है गए इस गेम में, तो मुझे सिंड्रेस का स्प्राइट अच्छा नहीं लगा सच बोलूं तो. भाई टाइफ्लोजन आइस बीम, भाई इसे तो हमने फ्रोज ही कर डाला भाई लाल. और ये फायर टाइप है फिर भी अभी तक हाइप. अरे भाई साहब, हम गए आइस बीम के ऊपर आइस बीम मार रहे हैं लेकिन अभी तक ये टूटा ही नहीं. सर्फ मारते हैं. चलो भाई, हमेशा प्रोटेक्ट क्यों मारता रहता है भाई, कुछ और नहीं है क्या? मेगा प्लेन गाइस जिसके पास, तो भाई सीरियसली इसके तो सारे पोकेमोन गाइस बस एक ही मूव जानते हैं, और वो है गाइस वो मूव, मतलब वो गाइस हाँ वो क्या है प्रोटेक्ट. हाँ तो सिर्फ 1520 रुपए, इतना ज्यादा कम कुछ ज्यादा है नहीं है. TM38 है गाइस, फायर ब्लास्ट जो मेरे पास पहले से ही है. You will want to head to Espo Forest to Palmeri Resort. Take care. Bye 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 bye. मैं थंबनेल के लिए यहाँ चले जाता हूँ गाइस, क्योंकि क्या पता मैंने रिकॉर्डिंग के वक्त थंबनेल लिया ही ना हो. चलो गाइस भागते हैं, लेकिन इससे पहले बातें करते हैं, देखते हैं कि क्या व्हाट सिर्फ हमारे पास 6 बैजेस है क्या? क्योंकि गाइस हम बस 11 दिन से ये गेम खेल रहे हैं और हमने 2 वीक के अंदर 6 बैजेस ले लिया, जो काफी अच्छी बात अगर आप मुझसे पूछेंगे तो, which is very good guys. आपके क्या राय इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं. और उसने बोला गाइस कि एस्पो फॉरेस्ट में जाकर हो. सो वही गाइस, मैं पिछली बार जब एस्पो फॉरेस्ट गया था तो ब्लैक मुझे लेकर गया था और फिर से हम वहाँ टेलीपोर्टेशन वो सब कुछ हो रहा था अगर आपको याद हो तो. मैं अभी वाइल्ड पोकेमॉन को रिपेल करता हूँ, तो इसे लेने के बाद वाइल्ड पोकेमॉन तुम्हारे पास नहीं आते. वेल आई टेक बैक माई वर्ड्स, क्योंकि ये एब्रा आ चुका है मेरे सामने, लेकिन मुझे एब्रा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे एब्रा को इवॉल्व तो हमें गाइस मिलेगा मेगा एल्काज़ाम, जो मेरे मेगा पोकेडेक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वाला भी पोकेमॉन है. आपके क्या राय है? जरूर वुड यू लाइक टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड? यस, व्हाट विल यू राइट? मैं लिखूंगा आई वॉन्ट टू बिकम चैम्पियन. चलो गाइस लिख देते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम Beyond of Tunor region of past. अगर ज्योतो का भी बन जाऊं तो मजे आएंगे. मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा. I foresee victory. We hang it. Did I see your victory? Yes, you did, bro. Yes, you did. Well done. हमारे पास पहले आ चुका है. Metagross को भी काफी ट्रेनिंग अभी देना पड़ेगा गाइस. Like serious training.
नॉट नॉर्मल ट्रेनिंग है, लाइक सीरियस सीरियस ट्रेनिंग। चलो गाइस, और मैं अपना पोकेमॉन हील करना भूल गया कि क्या है। ओके, अब स्वेलो गाइस, मुझे स्वेलो को फ्लाई तो सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पास तो बहुत ही ओपी वाला फ्लाइंग टाइप मूव है। मैं उसे खराब नहीं करना चाहता, लेकिन यार मैं अब करूँ तो करूँ क्या। चार्ज को मैं हटा देता हूँ और तो इसे सिखा देता हूँ। और शैडो बॉल कौन सीखना चाहता है, कोई सीखना चाहता है? नहीं, मेरे टीम में तो कोई नहीं। और नीचे क्या है? ओके, नीचे कुछ होने से पहले यहाँ इतने सारे पोकेमॉन आ रहे कि मैं क्या ही बोलूं। डॉन स्टोन, मुझे नहीं लगता मुझे डॉन स्टोन की जरूरत भी पड़ने वाली है। द ओनली वे इन वुड बी फ्लाइंग इन। वेल, मेरे पास फ्लाई है ना, लेकिन यार ये दिक्कत है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? ओह नहीं, चलो गाइस सही करते, एकदम इसके सामने थे वो भी लाल। Now, I'm so glad I managed to see you before. चलो टीम फ्यूजन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला प्लान करना है। वो डियाल्गा पालकिया और जिराटिना को पकड़ना चाहता है। वो मतलब है कि उसके डैडी, ऑफ कोर्स डैड विल बी फायरिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके लैब से द हॉन्टेड रॉक टेम्पोरल टावर और स्पेशल रुइंस में। सो हम टेम्पोरल टावर भी गए हुए हैं, हॉन्टेड रॉक भी गए हुए हैं, तीनों को अवेकन कर देगा। ही टास्क मी विद डिसेप्शन डियाल्गा, आई हैव ऑलरेडी कांटेक्टेड ब्लेक, वुड यू गो फॉर स्पेशल रुइंस एंड सेव पालकिया? इट्स जस्ट साउथ द सिटी। पिजॉट फ्लाई का इस्तेमाल करो भाई, इसका खुद का बेटा ऐसे क्या कर रहा, बस देखो गाइस। सो बीच साउथ ऑफ सिटी उसने बोला था, हाँ उसका नाम क्या था, मैं भूल गया, वाली ने उसका नाम कुछ और था गाइस, हाँ हेनरी। तो उसने बोला था गाइस कि साउथ ऑफ द सिटी में जाओ और मजे करो। सो हम वही करने वाले गए, मजे करने के लिए जा रहे हैं, मतलब उसे मजे करने के लिए तो बताया नहीं था। सनशोर बीच और स्पेशल सी, हाँ स्पेशल सी, सो उसने यही बताया था गाइस। तो हम देखते हैं कि स्पेशल सी में आकर ऐसा है क्या। तो हम गए एकदम एक ओपी वाला प्लेस में आ चुके हैं, जहाँ हमारा सरीना हो चुका है, एकदम नाइस वाला ट्रेनिंग उसे मिलने वाला है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ओ वेल, आई विल टेक बैक माई वर्ड्स गाइस। चलो इसके पास तुम मेगा लुका रहे हो जैसे खतरनाक पोकेमॉन। भाई मैंने क्विक अटैक क्यों मारा एक बेवकूफ की तरह? That was completely not what I wanted to do guys. Actually मैं रिवाइव मारता हूँ सरीना को। ओ फोकस पंच मार दिया इसने, तो मुझे थंडर रैप मारेगी मुझे सीधा। अरे कितने लुकारियो लेकर घूमेगा? चलो गाइस, बेचारा सेटअप करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था भाई मेगा एग्रॉन। ओ थंडर ब्रेथ, जल्दी से थंडर ब्रेथ का इस्तेमाल, थंडर बोल्ट, नाइस लेवल 45 गाइस। पंकर एक सेकंड रुको, उसके पास इलेक्ट्रोवायर था गाइस। इसका इलेक्ट्रोवायर का मतलब है ये है गाइस कि हमारे को अभी तक मेरे इलेक्ट्रोबस को अभी तक इलेक्ट्रोवायर चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं देखता हूँ गाइस कि इलेक्ट्रोबस इस गेम में कौन से लेवल में इवॉल्व होता है। तो इस काफी इंटेंस बैटलिंग होने वाला है अगले कुछ एपिसोड में, तो आई होप आप रेडी हो अगले कुछ एपिसोड के लिए। ओके, मैं थंडरबोल्ट मारता हूँ और तू वाटरफॉल मारेगा। चलो गाइस, हमने उसे खत्म कर दिया। कौन आइस पंच सीखना चाहता है? वेल, तू आइस पंच सीखना चाहता है तो सीख ले बाबा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइस मेरा स्मॉबर्ट एक फिजिकल अटैक कर रहा है, तो आइस पंच ही ज्यादा बेटर होगा आइस बीम से। तो आप लोग सोच रहे होंगे प्रणव आइस बीम के पास ज्यादा पावर है, मतलब वो ज्यादा डैमेज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि स्मॉबर्ट का फिजिकल अटैक उसके नॉर्मल अटैक से भी ज्यादा है। ये मैं अभी आपको प्रूव भी कर दूंगा गाइस, क्योंकि मुझे स्मॉबर्ट के स्टैट्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। जैसा आप देख सकते हैं इसका अटैक है 133 और इसका स्पेशल अटैक है 112, मतलब इसका अटैक है इसके स्पेशल अटैक से ज्यादा, समझ रहे हो गाइस। अब हमारे थंडरबोल्ट और वाटरफॉल। चलो गाइस सब लोग खत्म हो ही चुके हैं, एक थंडरबोल्ट और आइस पंच इसका काम तमाम कर देगा। चलो गाइस एक और थंडरबोल्ट और इसका काम गाइस तमाम, लेट्स गो बॉयज। और अभी मेरे पास हाइपो पोशन भी थोड़े बहुत हैं, सो मैं फटाफट सबको हाइपो पोशन कर देता हूँ और मेरे सेप्टाइल को भी रिवाइव कर लेता हूँ, क्योंकि सेप्टाइल बहुत ही ज्यादा तगड़ा पोकेमॉन है और उसे रिवाइव नहीं करने के लिए मेरे पास कोई कारण भी नहीं है। अब मुझे चुपचाप बढ़ना है, लेकिन यार ये एब्रा मुझे बढ़ने नहीं देगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। अरे भाई इससे मुझे देखता कैसे यार, मैं इतना शांति से जा रहा था, लेकिन नहीं जगह मुझे देखना था। राइपीरियर, अरे नहीं मैंने गलती से गई गलत वाला मुंह मार दिया। कमॉन कमॉन, नाइस
चलो गाइस लेट्स कीप अप दिस गुड वर्क। ओ ओ कुछ भी करके थंडर रात मार दे भाई। पिग नाइट मुझसे फास्ट है, लगता है कि गेम थोड़ा ग्लिच है यार। पिग नाइट तो कोई भी रास्ता नहीं है पिग नाइट को उससे ज्यादा तेज होने की, लेकिन पता नहीं यार वो कैसे तेज है। अब हमें ट्रेनिंग देना है हमारे रॉकी को। रॉकी भाई वन मैन आर्मी है यार, उसे क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, वो तो भाई सबको खत्म कर देगा उसके रास्ते में जो भी आएगा सबको। भाई लेवल वन का एवरा लिटरली गाइस, लेवल वन का एवरा गाइस। थंडर रैथ मारो, थंडर बोल्ट मारो भाई। गाइस आज तो भाई बहुत सारे बैटल हो रहे हैं गाइस। राज नाइस पोकेमोन भाई, मैंने गलती से उसपे एस्केप कर दिया गाइस, लेकिन चिंता मत करो मैं फिर से आऊंगा और इस राज को पकड़ूंगा, क्योंकि ये एक फेमस रॉस है। मुझे लगता है कि ये एक गार्ड वॉर बनेगा, मतलब एक मेगा गार्ड वॉर बनेगा। व्हाट यू थॉट यूड गेट माइकल दैट इजीली भाई, आ चुका है भाई। नो मोर मिस्टर नाइस पिकाचू, आई एम गोइंग ऑल आउट ऑन यू, ट्रेन माय सेल्फ टू अ हाई लेवल। कितना लेवल? 50, 40, 45, नाइस। फाइनली तो मेरे लेवल अब मैं आ चुका है पिकाचू। लेकिन एक दिक्कत है पिकाचू मेरे पास एक्चुअली, हाँ पीपी बहुत ही कम है, लेकिन चिंता मत करो तुम्हारे लिए मेरा सरीना ही काफी है। चलो अरीना सीखना चाहती है। नहीं यार, आई स्टिल डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू गेन स्ट्रेंथ टू बीट यू एंड इट हैजंट वर्क्ड, आई एम डन विद दिस, आई नीड टू थिंक, डोंट फॉलो मी भाई। ये बोर हो चुका है मुझसे हरा हराने की कोशिश करने के बावजूद ये मुझे आज तक हरा नहीं पाया। इसका सही कारण है गाइस इसके बदले करने की एटीट्यूड। अगर गाइस आप अपने एटीट्यूड को बदलोगे तो क्या पता आपको 10 रुपए का नेट मिल जाए। यू ट्राइड नोबली बट यू आर टू लेट, मैंने पहले ही सब कुछ कर लिया है। देयर इज नथिंग यू कैन डू एक्सेप्ट टू स्टेक बैक एंड वॉच हिस्ट्री टेक प्लेस। ओ माय गॉड गाइस, ये कौन है? जिराटीना रॉ हॉन्टेड रॉक है गाइस, क्योंकि वो गोस्ट टाइप एरिया था तो जिराटीना बेझिझक वहां रह सकता है। दियार टेम्पररी टावर कम्प्लीटली सेंस बनाता है और यहाँ पे आने वाला है पालकिया। ओ ओ पालकिया प्लीज नहीं, व्हाट ह्यूमन डैश टू डिस्टर्ब माय ड्यूटी भाई, मास्टर बॉल फेंक दिया इसने तो। ओ माय गॉड दिस इज जस्ट द प्रीव्यू, द फिनाले बिगिंस नाउ एट फ्यूजन लैब ऑन टॉप ऑफ माउंट पियर। No point going there, we already won. Team Fusion, time to move out. Oh my god guys, उन्होंने सब कुछ कर दिया। I couldn't save Giratina. Oh my, and I'm meeting in permanent resort to review our options. Please hurry. मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। Oh guys, काफी ओपी वाला सीन्स चल रहे हैं guys, देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है permanent resort में। यहाँ कहीं बैठे हैं क्या वो लोग? यहाँ तो बैठे नहीं है, लेकिन मैं फटाफट अपने पोकेमोन को हील करके देखता हूँ कि क्या सीन होता है और उन्होंने क्या किया वो जानने से पहले। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेझिझक वीडियो को लाइक कर दो गाइस, क्योंकि आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो बेझिझक वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि यार मैं तुम्हारा भाई हमेशा पोकेमोन का न्यू कंटेंट लाता रहता है। तो प्लीज सब्सक्राइब गाइस, तुम्हारे छोटे भाई को एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है, हर वो लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जब कलाई पे गजब हो गया, ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's been 10, been 10. अनोखी शक्तियों का अब ये मालिक हो गया, जब चाहा एक एलियन में बदल गया।